जी इसमें देखिए आपने लिखा वी हैव टू रीच जद्दा एयरपोर्ट 10 आवर्स बिफोर, यानी 10 घंटे पहले पहुंचना था. अब देखिए इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, बिफोर एंड अगो. सो बिफोर हम तब यूज करते हैं जब समझ लें दो एक्शंस का जो है ना कंपैरिजन किया जा रहा हो या उनका आपस में लिंक जो है शो किया जा रहा हो. बिफोर अकेला यूज नहीं होता, आप यहाँ पे अगो कह सकते हैं. बिफोर अगर आप कह रहे हैं तो आपको साथ कोई टाइम पीरियड भी अटैच करना है, यानी मुझे 10 घंटे पहले पहुंचना था, कौन से 10 घंटों से पहले, या कौन से काम जो है उससे पहले 10 घंटे पहले आपको जो है वो पहुंच जाना था. राइट, जैसे आई हैड टू रीच, वी हैड टू रीच 10 आवर्स बिफोर, बिफोर द लंच, बिफोर यहाँ पर कमिंग होम, बिफोर रीचिंग देयर, यानी साथ किसी न किसी एक्शन का जो है वो बताना है. या आप कह सकते हैं बिफोर 4 o'clock, यानी 4 बजे से, या इतने टाइम पीरियड से, या इस सेक्शन से, यानी साथ कुछ ना कुछ अटैच करना है कि इससे पहले, तब आप बिफोर लिखेंगे. सही. जी नेक्स्ट मिस्टेक है, आई थॉट देयर विल बी, देयर विल बी, यहाँ विल नहीं वुड आएगा क्योंकि पीछे थॉट आया. देखिए विल का हमने पास्ट फॉर्म जो होती है वो वुड होती है. अगर आप वो टाइम गुजर चुका है माजी का, उसके बारे में आप सोच रही हैं कि मैंने सोचा था या तुमने कहा था कि ये करेंगे. सही, ये टाइम गुजर चुका है, आप उसके बारे में सोच के या उस टाइम में दोबारा खुद को जो है वो सोच के कह रही है कि ऐसा होगा, हमने प्लान किया था या तुमने कहा था या मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, तो फिर होगा के लिए हम विल नहीं वुड यूज करते हैं. लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में, अभी वो एक्शन, वो टाइम अभी आना है, तो फिर आप विल यूज करेंगे. जैसे आप फिर कह सकती हैं कि आई विल बी देयर, आई विल ज्वाइन यू. सही, आई विल जी बाय दिस और दैट थिंग. लेकिन आपने मैम, पीछे थॉट, यस कुछ लोग अभी रिसेंट में भी वुड यूज, आई वुड डू दिस, लाइक वुड आजकल बहुत इन हुआ वुड हुआ के जो यूसेज हैं वो, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा वर्ड है. ठीक है, इसको पास्ट के है. लिए भी यूज किया जाता है, इसको फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है, और पास्ट के लिए यूज करना भी इसके एक से ज्यादा यूसेजेस है. इस वजह से ये कंफ्यूजिंग है. हम वुड के, वुड को फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं जब हम यूज यानी कर पोलाइटली बात करते हैं या अपनी पर्सनल विल की बात करते हैं ना, कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ऐसा करना चाहूंगी. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू कॉल यू. सही, और पास्ट में इसको विल का एज अ पास्ट फॉर्म यूज की जाती है. और इसके अलावा पास्ट में जब हम अपनी पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, यानी माजी की जो हमारी आदत थी अब नहीं है, उसके लिए भी हम वुड यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म. सही, आई वुड स्लीप लेट एट नाइट व्हेन आई वाज अ स्कूल स्टूडेंट. सही, जी. थर्ड मिस्टेक थी आपकी, ये स्पेलिंग देखिए आपने लिखा है आफ्टर कंप्लीशन, लेकिन आपने यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीटेशन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. एल के बाद एल आई टी ए नहीं आएगा. सही, एल ई बस आएगा.